गाइस रुको रुको, जरूरी सूचना गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने भाई के अंडरवेयर के अंदर आइसक्रीम डालने वाली हूँ। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो जल्दी लेके वीडियो को लाइक करो, 5000 लाइक गेम है, कंप्लीट करो लाइक करो अभी के बेबी, जा मां काल की पूरे साल मेहनत करते अभी लिख ले। क्या है 27 तारीख, चलो तो बहुत दिन हो गए, इंस्टाग्राम नहीं चला, इंस्टाग्राम चलाती हूँ। वसीम भाई की न्यू पोस्ट, एक मिनट, इन्हें मेरी वीडियो डाली है क्या? ये मैं हूँ, मेरा चैनल है, मम्मी की वीडियो है, ये वेरीफाई अकाउंट है, ये देखो वेरीफाई अकाउंट, और ये मेरी वीडियो असली है, असली। आई कैन नॉट बिलीव इट कि वसीम भाई फ्रॉम R2S स्ट्रीम की उनने मेरी आईडी, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी वीडियो डाली है, और ये लिखा है कि बेस्ट रिएक्शन एवर मॉम एंड डॉटर। मतलब यार मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, और सच में मेरी फेवरेट R2 है, तभी मैंने उन पर रिएक्शन बनाया था, आप लोगों की डिमांड पर ये हो गया। मैं आई एम रियली हैप्पी, मैं बात कभी नहीं भूलूंगी, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच R2H एंड R2H की पूरी टीम को, एंड वसीम भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली। हे गाइस, अगर मैं बकुल देखने का, तो आज हम करने वाले हैं उसको, जाने से पहले एगो में साथ चलो। ये देखो कौन है, मेरी मम्मी। अरे तेरे को इतनी बार समझाया, मेरे साथ वीडियो मत बना, लेकिन तेरे को समझ में आनी नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। जिससे आपको टाइटल लेकर पता चल जाओगा आज मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज आपकी डिमांड एक ही होती है मम्मी, तो इसलिए मैं ले आती हूँ ऐसा वीडियो में मम्मी को। तो गाइस, मैंने मम्मी को नहीं बताया कि मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है, बट स्टिल मैं सोचा है कि मम्मी साथ क्या करना है वो मम्मी को बता दिया जाए। बट मम्मी इतना तैयार होकर इसलिए बैठी हुई गाइस क्योंकि मम्मी बाजार गई थी। मम्मी सुनो, आज होता क्या है, पता चैलेंज क्या है? हाँ हाँ, तो चैलेंज ये है कि आज मैं आपको 24 घंटे परेशान करने वाले हैं, अभी बात छीन रही है, तो क्या आपको मजा आएगा इस चैलेंज में? थप्पड़ खाएगी वैसे खींच खींच के। ओ माय गॉड, गाइस देखो अभी मैं ना प्लानिंग बनाने आई हूँ बाहर, तो उसके बाद हम करते हैं प्लान की, अभी क्या करना है अभी पहले ही सोचते, बात का बाद में सोचने, दिमाग बता रहे कुछ सोचा नहीं है, बट चल मैंने इतना सोचा कि मम्मी को बोलेंगे खुद जाती हूँ। Please don't try this. गाइस बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करो, बिकॉज वहाँ पे सब्जी चल रही है और पापा ने टीवी देख रहे हैं, एंड मम्मी ने कुछ नाश्ते में खाने के लिए मंगाया था, थोड़ा सा मम्मी नाश्ते में ज्यादा कुछ हटना खाती नहीं है, तो गाइस मम्मी ने मंगाया और मैं उसको आधा आधा खा के रख लू। तू क्यों खा रहा है गाइस? तुमने कितने मंगाए थे मम्मी ने? गाइस ये मैं आधा खा लेती हूँ, रामजादी चली जाए यहाँ से। अरे आपका हथियार मारो, मतलब क्या, मतलब
बंदर खाने के लिए मंगा रहा है कुछ जो तू इरिटेट हो गए ना थप्पड़ खाएगी और खींच के और कुछ नहीं है लगेगी हाथ पे गाइस ये तो अभी शुरुआत है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वीडियो में बनी है ना आगे लेके आऊंगा मैं देखो इसकी दिखाऊं खाने को वेस्ट क्यों कर रहे हो आप एक मिनट रुको तो सही एक मिनट अरे नाल मार दूंगी तेरे खड़ी हो जाए यहाँ से चल गई खाएगा क्या ये परी करी ये परी ये व्हाट इज दिस परी के हाथों में देखो देख आलू चुरा के बोल जाओ इसने मुझे बहुत चल गिराया यार मान जा ना ये हो गए मम्मी देते हैं सर धर दूंगी अभी कान की जड़ पे फिर हर जब नहीं नहीं झाड़ू दे अरे मान जा नहीं हो गया प्लास्टिक करने लगा दी बढ़िया ये मेरी मम्मी मजे ले रहे यार ऐसे कौन मजे लेता है गाइस अभी मैं एक चीज कर आलू छीलने के लिए तो हो नहीं रही है ये तो बड़ी नाइस चीज है ये तो मेरी पसंदीदा चीज है अभी चार आलू चार पराठे चाहिए मेरे को अभी के भी आलू गाइस ये है मेरा भाई देखो तो इसको मैं अब खींच पिलाने वाली तो गाइस मेरे भैया पिला दिया तेरा दिमाग खराब है तो फिर मम्मी भैया है आपका बेटा है ये कूड़ा अच्छे से नहीं मारते यार ऐसा फेंक के मारे इसको ज्यादा सो कर ना तेरे को तेरे ऊपर ही फेंक तो हमने कम से कम एक घंटे का ब्रेक ले लिया था मेरे को आज फोन में चार्जिंग खत्म हो गई थी इसी वजह से तो गाइस अब हम करने वाले हैं एक मास्टर प्लान वो एक मास्टर प्लान है एक्चुअली यार व्हाट इज दिस यू बिहेवियर वीक मास्टर प्लान है एक्चुअली ना मैं आप देख लेना अब क्या होने वाला है गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज मेरी वीडियो ऐसी ही होती है होगा मम्मी क्या कर रही है और आपको समझ भी आ गया हम क्या करने वाले है ओ ओ पलंगे नीचे भाई Go.
कहाँ गिरा ये? हाँ नहीं बता जल्दी कहाँ गिरा ये? पिटमी का गिराया है? हाँ किसकी डिब्बी गिराई थी? फाउंडेशन वाली पता नहीं क्या गिराया हरी बता दे। अरे मुझे नहीं पता, खुद मुझे खुद नहीं पता। मैं मार दूंगी तेरे कान पे खींच के। नहीं पता हनी, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं हाथ लगा नहीं सकती। हैप्पी क्या गिराया? चल गया। अरे फाउंडेशन नहीं गिरा, ये गिरा था। तुमने कुछ कराई नहीं, मैं फंस गया। मैं बाहर देख कर आई, भैया ने कहा था कि आप भी फाउंडेशन वाली बाहर छुपा कर आ रही है, उसको बाहर छुपा कर आ रही। तू चालू कर तो सही कर दिया तो। अब जाओ देखो, मेरे नाक में दम। रामजादी सारा सामान गायब। अरे एकदम डरा दिया मेरे को। सामान गायब मेरे रोटी का। इनको अब दिख रहा है क्या हो गया? क्या हो गया? हुआ क्या? सामान गायब। ओके डिटेक्टिव मंगलू को बुलाना पड़ेगा। मेरे प्यादे चारों दिशा में ऐसे फैले हैं जैसे पूरी दुनिया में पंजाबी। किसी ने सुना तो नहीं? तू मेरा खाना खराब करवा रही है। हमने मम्मी को अंदर बुलाया था लेकिन मम्मी ने तीन चार गालियां सुना दी तो हमको उसी कट करना पड़ेगा। डिटेक्टिव मंगलू आ गया। बोलो क्या हुआ यहाँ पे? अबे इसके जैसा मरी है, फिर आगे बैठे तुम्हें छोड़ मरेगी क्या मेरे हाथ से? चिमटा दे देते कोई चिमटा लो। अरे तो रिपोर्ट लिखवा, मैं कभी का कोई केस वेस करूंगा। गाइस हमने काफी देर का बहुत ही देर का ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ काफी देर का ब्रेक ले लिया था इस चैनल से बिकॉज खाना वगैरह खा रहे थे थोड़ी बहुत। तो अब मैं होगी बिल्कुल फ्री एंड देन आई एम रेडी। देखो तो अच्छा देखो तो देखो 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 एक 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 मिनट बना रहा था ना। इट्स माय मॉम एंड लगी मम्मी की लगी इतनी टाइट छोटी कर बात करे मम्मी। देखो 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 मम्मी देखो। गाइस मम्मी देख रही है टीवी, वो देखो सबसे आप। गाइस यहाँ पे फोन है एक्चुअली ना, एम आई के फोन की जो रिमोट होते हैं ना वो टीवी, अबे यार वो टीवी में भी चलते हैं। मैं दिखा इस फोन से कहाँ है एम आई रिमोट? भैंस की कहाँ गया एम आई रिमोट? नंबर लिख कर दे मेरा। अरे आई मैं रिमोट ही दे रहा हूँ, मैं दूंगा अब मैं ही दूंगा। आई मैं रिमोट खुल चुका है और देन अभी तो ऊपर देख सकते हो ऐड आ रखी है तो मेरे नाम चलाते शर्म नहीं आती इन लोगों को। अभी रुक जाओ देखो ये बाबा जी अरे
अरे क्या हो गया, टीवी बंद हो गया आपका? मुझे लगा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेरे वाला टीवी बंद हो गया। भैया पाँच मत मार। ए पाँच मैं नहीं मारा। गैस थोड़ा जूम मार के, वैसे क्वालिटी खराब हो रही है। नहीं खाया नहीं अच्छी है, पर पेट भरा हुआ। ओ भाई साहब, दवाई भी खानी है तुझे, कोई मिलना नहीं तो कोई नहीं दिए। उठो और बिस्तर में पड़ो, उठो और बिस्तर में पड़ो, यही तो रहता है। पर इधर पापा पानी पी रहे, हट जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। मम्मी अच्छा हमको पता था क्यों मैं बैठी अंकल ये मयूर धक्का दे रहा परी को। वीडियो बना रहे वो देखो। अभी मजा आएगा ना जैसे लेवल खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अब शॉर्ट आउट की बारी, मैंने आपको पहले ही बोला था एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं आपको शॉर्ट आउट अपने आप दे दूंगी, बट फिर भी कुछ लोग मुझे शॉर्ट आउट दे दो, मुझे शॉर्ट आउट दे दो बोले थे। गाइस तो कुछ लोग कमेंट में बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे हैं, क्या कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये लो मेरा नंबर, मेरे को क्या कहते हैं वो दे दो, शॉर्ट आउट दे दो, शॉर्ट आउट नहीं सॉरी प्रमोशन कर दो। गाइस क्या यार आप प्रमोशन के पीछे पड़े हो, ये गर्लफ्रेंड नंबर वाले भाई कुछ भी कुछ भी। तो गाइस शॉर्ट आउट का टाइम है, तो शॉर्ट आउट बोलते हैं। इंसान गेम्स ने बोला है ये तो वेरी नाइस वीडियो है जी, ये तो मेरी पसंदीदा वीडियो है जी, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। मुझे भी इनका भी कमेंट अच्छा लगा, मिस्टर खान का, इनने कहा है वॉचिंग योर वीडियो विदाउट सब्सक्राइबर, इनका एक छोटा सा मजाक था, नहीं तो मैंने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया यार। ये गाइस सो नेक्स्ट है एक शायरी, जो एक लिंक है निखिल 6655। तो गाइस ये बहुत प्यारी प्यारी शायरी लिखते हैं मेरे कमेंट्स में, एंड तो इन्हीं शायरी लिखी है। अभी तो आए है एक साल ही हुआ, तेरे नाम से ही क्यों बवाल हुआ, तूने रखी सोच आसमान में, तेरे जैसा पैदा सिर्फ एक ही बार हुआ। मैं स्क्रीन ये गाइस तो N4 निंजा का है, हेलो डियर आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्लीज प्लीज शाउट आउट दे दो, दे दिया। साद खान का मैसेज है आपको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, और कि मम्मी पे प्रैंक करो प्लीज, शॉट आउट टू यू। गेमिंग विक्रांत की है लुक देखो, हाँ ठीक है, लोगों को इन रिलेटिव का काम है कहना, यूट्यूब की लाइन में आ गई हो तो अब सच अ यंग, आगे तो डोंट रिलेटिव से। ओके गाइस नेक्स्ट शॉट आउट है, अरे कहाँ गया,
एक्टिंग तो ढंग से कर लिया कर। भाई बीच में मत बोलना के आर के की बुरी थूत झिंझक पूजा की मांगी।